जय माता दी। दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे देव शनि एकादशी साल 2022 में कब मनाई जाएगी, किस दिन व्रत रखा जाएगा और इसकी पूजा व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको देव शनि एकादशी की पूजा विधि भी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि देव शनि एकादशी के दिन कौन से काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में देव शनि एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शनि एकादशी कहते हैं। इसे हरि शनि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु देव शनि एकादशी के दिन ही योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में होता है। इस दौरान की गई पूजा का फल शीघ्र मिलता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम भी नहीं किया जाता। इस दौरान कोई भी शादी, ब्याह, मुंडन, सगाई और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दिन व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही व्यक्ति को अपने पापों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, देव शनि एकादशी के दिन से ही 4 महीने तक चतुर्मास लग जाता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी पुनः पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं और चतुर्मास का समापन हो जाता है। दोस्तों, देव शनि एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। दसवीं तिथि की रात के भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए और भोजन में नमक का प्रयोग करने से व्रत के शुभ फलों में कमी आती है। दोस्तों, ये व्रत दसवीं तिथि की रात से लेकर द्वादशी तिथि के प्रातःकाल तक चलता है। व्रती को इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। आप सर्वप्रथम पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा कर लें और फिर एक लकड़ी की चौकी ले लें, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। इसके बाद विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें, उन्हें पीला चंदन लगाएं, पीले फूल माला अर्पित करें, फल मेवा मिष्ठान आदि चढ़ाएं और पंचामृत का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय होती है। इसके बाद धूप दीप जलाकर देव शनि एकादशी की व्रत कथा सुनें और आरती करके पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, इस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन प्रातःकाल यानी द्वादशी के दिन पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको देव शनि एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, देव शनि एकादशी के दिन घर पर लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि ना करें, किसी से झूठ ना बोलें। इसके अलावा देव शनि एकादशी के दिन घर में साफ सफाई अवश्य रखें। देव शनि एकादशी के दिन बिस्तरों का त्याग करना चाहिए, हो सके तो इस दिन भूमि शयन करें और देव शनि एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, देव शनि एकादशी के दिन भूलकर भी दातून से दांत साफ ना करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की टहनी को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा देव शनि एकादशी की पूजा में आपको काले व नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि देव शनि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा।
दोस्तों, देवसैनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को रखा जाएगा और एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई 2022 की शाम को 4:39 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 10 जुलाई 2022 की दोपहर को 2:13 पर होगी और व्रत खोलने का शुभ समय 11 जुलाई को सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:17 तक रहेगा और द्वादशी समाप्त होने का समय 11 जुलाई 2022 की सुबह 11:13 पर रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।